एसीएन न्यूज़ के सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं गणेश अग्रवाल और आप देख रहे हैं दमोह जिले की खबरें। दमोह जिले के पथरिया के प्रतिष्ठित श्रीधर परिवार से संगीता श्रीधर के द्वारा कांग्रेस पार्टी को अलविदा कह दिया गया है। संगीता श्रीधर 3 बार से लगातार जनपद सदस्य हैं। वर्तमान में जिला कांग्रेस कमेटी में महामंत्री के पद पर हैं, तो वहीं महिला कांग्रेस में उपाध्यक्ष के पद पर हैं। उन्होंने अपना त्यागपत्र प्रदेश के अध्यक्ष जीतू पटवारी और जिलाध्यक्ष रतन चंद जैन के नाम सौंपा है। उन्होंने इस त्यागपत्र में उल्लेख किया है कि भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होनी है, ऐसे में कांग्रेस के आलाकमान के द्वारा इस निमंत्रण को स्वीकार नहीं किया गया है और इस बात से आहत होकर के उन्होंने कांग्रेस के समस्त पदों से इस्तीफा दिया है। वे किस पार्टी में शामिल होंगी, इसके सवाल पर उन्होंने कहा कि वे शीघ्र इस बात पर निर्णय लेंगी और मीडिया के सामने अपनी बात रखेंगी। मालूम हो कि इसके पहले भी कांग्रेस के कुछ नेताओं के द्वारा कांग्रेस की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया गया था। तो अब श्रीधर परिवार की संगीता श्रीधर ने भी अपने सभी पदों से, कांग्रेस के सभी पदों से इस्तीफा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, एसीएन न्यूज़। कई वर्षों तक आप लोग कांग्रेस का झंडा लेकर चले हैं, आज आप लोगों ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा देने की बात सोची है, क्या? देखिए, हम लोग, मैं और मेरा परिवार विपरीत परिस्थितियों में कांग्रेस के साथ रहा है और विभिन्न पदों पर रहकर मैंने अपने कांग्रेस की रीति और नीति को जन जन तक पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ कांग्रेस का झंडा लिए रहे हम लोग और उसके लिए काम किया है। लेकिन आज जब कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के द्वारा श्री राम महाप्रभु की प्राण प्रतिष्ठा के लिए जो न्योता स्वीकार किया गया, उससे कहीं ना कहीं मेरा मन आहत हुआ है और मेरा मन स्वीकार नहीं कर पा रहा कि मैं ऐसी सनातन विरोधी पार्टी के लिए आगे काम कर पाऊँगी। इसलिए मैं माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी एवं जिलाध्यक्ष जी से के नाम से मैं अपना जो भी कांग्रेस के सभी पदों से इस्तीफा देती हूँ। जी, अभी तो ऐसा कुछ सोचा नहीं है, जब करेंगे तो आपको पता चलेगा।